नमस्कार दोस्तों, चंद्र ग्रहण की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और उस चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक समय क्या रहने वाला है और चंद्र ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा और प्रेग्नेंट लेडीज पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव कितना होगा, किस प्रकार से होगा। तो आप प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर चालू कर लें ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो हम आपकी मदद सबसे पहले कर सकें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2020 में कितने ग्रहण पड़ने वाले हैं। दोस्तों, 2020 का सबसे पहले ग्रहण था 10 जनवरी 2020 को, उसके पश्चात चंद्र ग्रहण आने वाला है 5 जून 2020 को, इसके पश्चात 21 जून 2020 को भी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और दोस्तों इसके पश्चात 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण फिर से पड़ने वाला है, 30 नवंबर 2020 को फिर से चंद्र ग्रहण होने वाला है और फिर दिसंबर में आखिरी सूर्य ग्रहण होने वाला है 14 दिसंबर 2020 के दिनांक को। और हम आज खास तौर पर बात करने वाले हैं 5 जून 2020 के चंद्र ग्रहण की। तो 5 जून चंद्र ग्रहण का समय हम आपको बता देते हैं। 5 जून 2020 को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है उसका आरंभ होने का समय होने वाला है 11:15 पर और ये चलने वाला है अगले दिन की सुबह 6 जून 2020 की सुबह तक 2:36 तक ये चंद्र ग्रहण चलने वाला है। दोस्तों, आप समय दोबारा से जान लीजिए अच्छी प्रकार से। ये चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है 5 जून 2020 की दिनांक को रात को 11:15 पर और ये चंद्र ग्रहण समाप्त होने वाला है 6 जून 2020 की दिनांक को सुबह के 2:36 तक। ये भारत का समय रहने वाला है चंद्र ग्रहण का। अगर आप अपने शहर का सही प्रकार से सटीक समय जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम अभी लिख दीजिए ताकि हम आपके शहर का बिल्कुल सही समय आपको बता सकें, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है तो सभी शहरों का समय एक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अलग समय है। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम अवश्य ही लिखें। और दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 का सूतक समय क्या रहने वाला है। दोस्तों, वैसे तो सूतक समय 12 घंटे पहले ही लग जाता है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का सूतक समय हम आपको बता देते हैं 9 घंटे पहले शुरू होगा। 9 घंटे पहले इस समय के अनुसार समय रहने वाला है 2:15 दोपहर के। तो इस समय के पश्चात सभी प्रकार के पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं सूतक समय में। और सभी का डाउट होता है कि क्या हम सूतक समय में खाना खा सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं या किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप सूतक समय में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रहण के दौरान कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आगे भी हम आप इस वीडियो में बता दें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो प्लीज़ आप ध्यान से अवश्य ही सुनिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, तो 5 जून 2020 के चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। सूतक समय 2:15 से लग जाएगा दोपहर के। सूतक समय के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने घर में कोई भी बड़ा कार्य इस मुहूर्त में प्रारंभ न करें, ये अशुभ होता है। तो सूतक समय के पश्चात आता है ग्रहण का समय। ग्रहण 11:15 पर शुरू हो जाएगा 5 जून 2020 को।
तो ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। ग्रहण के दौरान आपको सबसे बड़ी सावधानी जो है, जिसका ध्यान आपको रखना है, वो है खाने और पीने की सावधानी। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या ग्रहण समय से पहले सूतक समय में हम खाना या पीना ग्रहण कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, आप बिल्कुल खा और पी सकते हैं सूतक समय में, लेकिन आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी कुछ भी खाना और पीना नहीं है। इस बात का ध्यान आप अवश्य ही रखें। तो ग्रहण के दौरान आप किसी भी प्रकार का खाना न खाएं और न ही पानी पिएं। और दोस्तों, अगली बात आती है कि ग्रहण के दौरान आपको जो दूसरा कार्य है वो नहीं करना चाहिए। आपको खाना बनाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको खाना बनाने से भी बहुत ही बड़ी मनाही है। तो उसके बाद है दोस्तों, तेज़धार वस्तु का इस्तेमाल। तेज़धार वस्तु का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना है, जो 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। आप किसी भी प्रकार का चाकू का, छुरी का और रसोई का किसी भी प्रकार का कार्य बिल्कुल भी न करें। इससे आपकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। हम आपको विशेष तौर पर बता दें कि तेज़धार वस्तु का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान। आगामी चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को तेज़धार वस्तु, नेल कटर, चाकू, छुरी, कैंची, सुई इत्यादि का भी आप इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें चंद्र ग्रहण के दौरान। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। और इसके पश्चात आप अपने बालों को कंघी बिल्कुल भी न करें। आप किसी भी प्रकार से अपने बालों को न छुएं और न ही उनको कंघी करें। यानी कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे एनर्जी का लॉस हो चंद्र ग्रहण के दौरान। इसके पश्चात बहुत ही विशेष कार्य आता है, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि देखने का। ये बहुत सारे दर्शकों का सवाल होता है कि क्या हम चंद्र ग्रहण के दौरान टीवी पे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान टीवी बिल्कुल भी न देखें और न ही किसी भी ऐसी चीज़ को देखें जिसमें स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ये आपकी आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और आप किसी भी प्रकार के टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का इस्तेमाल न करें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान। और इसके पश्चात कुछ बातें आती हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको अपना खाना नहीं बनाना है, ना ही कुछ खाना पीना है, और किसी भी प्रकार का खाद्य वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है, आपको बालों को कंघी भी नहीं करनी है, नेल कटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी रसोई का कार्य नहीं करना है, काटने छीलने का भी कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और विशेष तौर पर आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो घर से बाहर न निकले, ये भी बहुत ही बड़ी सावधानी है चंद्र ग्रहण के दौरान। टीवी, लैपटॉप का तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न कीजिए, ये भी आपके लिए, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके पश्चात भी आपका कोई डाउट रह जाता है किसी कार्य को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपने काम को लिखें कि क्या हम चंद्र ग्रहण के दौरान वो कार्य कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने कार्य को कमेंट में अवश्य ही लिखें, हम आपको तुरंत ही कमेंट का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, सूतक समय के दौरान आप ये सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण रूप से डाउट क्लियर कर देते हैं कि सूतक समय में आप ये सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के लगभग 3 घंटे के समय के दौरान आपको बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। और दोस्तों, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या हम चंद्र ग्रहण के दौरान करें। तो हम आपको बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अपने खाने पीने की वस्तुओं में कुसा या तुलसी के पत्ते कुछ रख दीजिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इससे आपके खाने पीने की वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा और आप उस ग्रहण से बचे रहेंगे। और अभी बात आती है कि आपको आपके शरीर के साथ क्या करना है।
तो आप अपने शरीर के साथ आराम से लेटे रहें या बैठे रहें, आप इधर उधर करवट भी न लें लेटने के दौरान, ये भी आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आप बिल्कुल सीधे लेटे रहें चंद्र ग्रहण के दौरान, और अपने हाथ पैर बिल्कुल भी न हिलाएं, न मोड़े, अपने हाथ पैर को बिल्कुल सीधे लेटे रहें, या फिर आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं चेयर पर। तो केवल आप ये दो कार्य ही कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। और जो हमने ये सभी कार्य बताए हैं, इन कार्यों के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को विशेष सावधानियां रखनी है कि हमने जो ये कार्य बताए हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही विशेष हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल विशेष तौर पर इन कार्यों का ध्यान दें ताकि आपकी सेहत पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न हो और आप हर प्रकार के नुकसान से बचे रहें जो चंद्र ग्रहण के दौरान होते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये सभी प्रकार के कार्य बताए हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट का जवाब तुरंत ही दे देंगे। और दोस्तों, आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम आपको आपके शहर का बिल्कुल सही और सटीक समय बता सकें। तो हम आपके साथ चंद्र ग्रहण के दौरान लाइव भी बने रहने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर चालू कर लें ताकि हम चंद्र ग्रहण से पहले, चंद्र ग्रहण के दौरान और आने वाले 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण के दौरान भी हम आपकी मदद करते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर रखें। तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। जय माता दी।